लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी माँ, देवी माँ, कौन है आप? किससे मिलना है? अपनी मैया से मिलने आई हूँ। सुबह से नहीं मिली ना, बहुत बेचैनी सी लग रही है, इसीलिए उससे मिलने आई हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन देवी माँ? अरे वो राजेश्वरी, राजेश्वरी, मैं तुझे वहां अंदर। अरे पापी, दुर्गा माँ की आंखों की पंखुड़ी तू नहीं छोड़ेगी ना? कहाँ है वो पंखुड़ी? दे दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे कैसे छोड़ूंगी? दे दे मुझे, और मुझे पंखुड़ी चाहिए ना, अभी लाता हूँ। ए, मेरे घर में आकर मुझ पे हाथ उठा रही है, मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। देखिए, बार बार गलती मत कीजिए, इन्हें जो पंखुड़ी चाहिए वो आप इन्हें दे दीजिए। ए, मैं तेरी आंखों की पंखुड़ी निकाल कर दे सकता हूँ, पर देवी की पंखुड़ी नहीं दे सकता। मेरे हाथ में पिस्तौल है, बीच में मत, नहीं तो तू भी नहीं बचेगी। आखिर तुम कब तक जानवरों की तरह पेश आओगे? अगर तुम अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। ये क्या सिस्टर, अचानक? बस करो, अब तक तुमने काफी भूल कर ली। इस लड़की से मैं बात करती हूँ, मेरे साथ आओ। देखो बहन, मेरे भैया ने पैसों की लालच में आकर पंखुड़ियां चुरा ली, उसे माफ कर देना। आज रात बगीचे के नीम के पेड़ के पास आ जाना, मैं आंखें ले आऊंगी। मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? जरूर कर सकती हूँ। मंगू राम, क्या है बिटिया, इस वक्त क्यों लेटे हुए हो? मैं ठहरा चंडाल, कोई मर गया तो ही मुझे काम मिलेगा, और क्या करूं? आज रात तुझे काम मिलने वाला है। क्या कह रही हो बिटिया? तू जाके गड्ढा खोद, मैं लाश को वहां पर भेज दूंगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कभी वादा नहीं तोड़ती, कहा था ना आंखों को लेकर आऊंगी, आंखों के साथ ही आई हूं। जरा रुको, ये क्या है? मैंने जिन आंखों का जिक्र किया था वो देवी माँ की आंखें नहीं, इसकी आंखें। मेरे भाई को पंखुड़ियां चुराते हुए सिर्फ तुम ही ने देखा है, अब तुम नहीं रहोगी। गॉड पावर है या इविल पावर, जो भी हो मेरी बहन को उसने मिटा दिया। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा।
जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे। बंद कर। क्यों मुंशी, तूने अभी तक जबान चला के गुजारा किया, अब उसी जबान को पंचर कर दिया, ये क्या उलिया बना रखा है? मैं माता के सामने अप्रूवर बनके सरेंडर हो गया हूँ। मैंने जो भी पाप किए हैं अपनी गंदी जबान से किए हैं, इसलिए मैंने इसे सजा दे दी। लेकिन आपने जो पाप किए हैं उसके लिए आपको पूरे शरीर में छेद करने पड़ेंगे। मैं तो अब सुधर गया हूँ, आप पर छेद करने के लिए माता खुद त्रिशूल लेकर आएंगे, तभी आप सुधरेंगे। मैं चलता हूँ। था था। कल छुटकी चांडाल से कह रही थी कि रात को लाश आने वाली है, और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। मतलब बच्चे के रूप में कौन आया है? ये क्या छुटकी महाविष्णु की तरह लेती हुई हो? वहाँ महाविष्णु इसी तरह लेटते हैं, वो देखो गणेश जी भी ऐसे ही लेटे हुए हैं। इन सबको छोड़ के तुम मुझसे ही क्यों पूछ रही हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम्हारी राधा। तुम राधा नहीं, देवी माँ हो। तुम मासूम बच्ची नहीं, जगदम्बा हो। बहुत अच्छे, हवा का झोंका बनकर आई तो नहीं पहचानोगी सोचा, लेकिन अपनी माता को तुमने आखिर पहचान ही लिया। माँ, तेरे कदम मेरे चौखट पर पड़ने के लिए मैं साल भर व्रत रख सकती हूँ, तुम वहां तो गई हो। देवी माना बनके इस तरह हत्यारा मानकर क्यों आई हो? मनुष्य मारता है तो वो हत्या है, वही माता मारती है तो वह संहार, किए गए पाप का दंड। माँ, की गई भूल पर दंड देना जरूरी है, अगर तू चाहे तो क्षमा नहीं कर सकती? क्षमा करूं? आंखों को छीनने वाले को? ये भद्रकाली कभी किसी को क्षमा नहीं करती, केवल दंड देती है, मृत्यु दंड। तूने बदला तो लिया ना, मेरी आंखों के सामने उनकी जान ले ली थी तूने, अभी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ? पाप का साथ देने वाली का अंत कर दिया, मेरे आड़े आने वाला एक शत्रु अभी तक जीवित है, उससे भी दंड देने के बाद ही मेरा क्रोध थमेगा। माँ, जब तू सांब बन के आई थी मैंने तुझे दूध पिलाया, जब तू पेड़ थी तब तुझे सजा के तेरी पूजा की, अब तू रूबरू सामने है, मैं तेरी पूजा करना चाहती हूँ, मगर तू बलि मांग रही है, अपनी इस भक्तिन के लिए तू उन्हें माफ नहीं कर सकती। भक्तों के लिए पापी को क्षमा ही करना है तो प्रपंच में देवी देवता किस लिए? माता, मैं किसी भी तरह उन्हें मना के वो पंखुड़ियां तुझे लौटा दूंगी, मुझे छोड़ दो माँ। मैं यहाँ पर दया नहीं, मृत्यु बनकर आई हूँ। माँ, तू चाहे तो उनकी जान बचाकर मेरा जीवन संवार नहीं सकती? तेरे भाग्य में जो लिखा है उसे मैं तो क्या विधाता भी नहीं मिटा सकता। तेरे पति के पाप का घड़ा भर गया है, अब भी उसे क्षमा करना धर्म के विरुद्ध होगा। हे भद्रकाली, तुझमें जरा भी दया नहीं? ये समय दया दिखाने का नहीं, संहार का है। तेरी मंत्र शक्ति पे भरोसा करके देवी माँ की आंखों की पंखुड़े लाने को मान गया था, अब क्या हुआ? माता की शक्ति ने मेरी बहन को मार डाला, उसके बाद मेरी बारी होगी, इसका कोई जवाब है तेरे पास? मैं महिषासुर का अवतार हूँ, वो देवी तुझे मिटाए उससे पहले मैं उसे खाक में मिला दूंगा। उसके लिए एक रास्ता है। माता, मैं तेरे लिए नमक डाल के छांच लाई हूँ। नमक? किसी चमत्कार के लिए? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नमकीन छाछ नीम की कड़वाहट को मार नहीं सकता। ठीक है ठीक है, आने का कारण बताओ। मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। हाँ, माता जब घर पर ही हो
तो मंदिर क्यों जाना है? मन्नत मांगी है, वो मंदिर जाकर ही पूरी करनी होगी, इसलिए। तो हो आओ। माँ, मेरे मंदिर जाकर वापस घर आने तक तू मेरे पति को नहीं मारेगी? माँ क्या देख रही है, मुझे सुहागन बनकर ही उस मन्नत को पूरा करना होगा, इसलिए मेरे लौटने तक मेरे पति को तो कुछ नहीं करेगी, ऐसा मुझे वचन दो माँ। तुम वचन मांग रही हो या बच्चा? माँ मेरे दिल में क्या है ये तुझे मालूम है, तो क्या तू मुझे ये वचन नहीं दे सकती? वचन देने में क्यों कंजूसी, चलो देती हूँ। तो सुनो, तुम्हारे मंदिर जाके वापस लौटने तक मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी, मैं वचन देती हूँ, तुम हो आओ। बस मुझे इतना काफी है, मैं चलती हूँ माँ। देवी धोखा खा गई, जो मैं चाहूंगा वही होने वाला है। भैरव, तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बीवी के मंदिर जाके घर लौटने तक देवी माँ मुझे नहीं मारेगी, ये मेरी बीवी के जरिए माता से वचन लेने के लिए कहा था, मैंने भी वैसा ही किया, इसमें खुशी की क्या बात है? वो मंदिर जाके घर लौटेगी तभी तो तुझे मारेगी, अगर तेरी पत्नी लौट कर नहीं आई तो। वाह, वेरी गुड आइडिया। तेरी पत्नी को मैं मार डालूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक मदद करनी होगी। तुम तो मेरी जान बचा रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बोलो। उस बच्ची के पास जो आंखों की पंखुड़ियां है वो मुझे चाहिए, जाकर ले आओ। ए, मजाक कर रहे हो? हैं? पहले भी एक बार सर उड़ गया था, वो क्या कोई आम बच्ची है, दिव्य शक्ति है उसमें। घबरा मत, तुझे उसको मारने की शक्ति मैं दे दूंगा। तेरे हाथों को मैंने शैतानी ताकत दे दी है, फौरन जाकर उस बच्ची की आंखें छीन कर ला, जा। छीनना चाहा,
फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया। अब मेरी भक्तिन के प्राण लेने पर तुले हुए हो, मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगी। इसे मारकर ही मेरा क्रोध शांत होगा। रुको माँ, मेरे मंदिर जाकर घर लौटने तक तुम मेरे पति को नहीं मारोगी, ऐसा वचन दिया था। मैं अभी तक घर नहीं गई, इसलिए तुम वचनबद्ध हो। मैं वचनबद्ध हूँ? मैं अपने वचन का दुरुपयोग नहीं होने दूंगी। तू जानती है ये तेरे द्वारा वचन लेकर तेरे ही प्राण लेने पर तुला हुआ है, और मैं इसे क्षमा कर दूं और भी जीवित नहीं रहेगा। ए! सदा माता माता की रट लगाती थी, उस बेटी को तो यही आशीष देना चाहती है। क्या कोई भी माँ अपनी बेटी की माँ को जानना चाहेगी, लेकिन तू यही चाहती है। आजा, आकर अपनी मंशा पूरी कर, चला। अरे वाह रे देवी माँ, तू तो सदा सुहागन बनी रहेगी, लेकिन मुझे अपनी चूड़ियां तोड़नी होगी, यही ना? इसे भी तेरी खुशी है ना, तो फिर आ, अपनी बेटी के सुहाग को मिटा दे। आ! माँ दुर्गे, मैं इंसान होकर भी इंसानियत से अनजान बना रहा, इंसानों की आंखें ही नहीं तुम्हारी आंखों को भी छीनना चाह, मुझे माफ कर दो माँ। अभी तक इन्होंने जो पाप किया है उसके लिए इनके हाथ जल गए, और सजा मत दो माँ, इन्हें माफ कर दो माँ, माफ कर दो। उस वचन के कारण नहीं, तेरी भक्ति के कारण मैं झुकती हूँ, मैंने इसे क्षमा किया। माँ, मेरी बेटी के पास तेरी आंखों की जो पंखुड़ियां हैं, वो तेरी अमानत है, तू उन्हें ले ले माँ।